अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजान और आप देख रहे हैं सी टेक। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं अलफतह गुजरांवाला पर मौजूद हूँ, जो कि गुजरांवाला प्रिज्मा मार में मौजूद है। और आज आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि एक हेयर ट्रिमर की अनबॉक्सिंग वीडियो है, जो कि पैनासोनिक की तरफ से आता है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस भी आप इसको कह सकते हैं, पैनासोनिक का मेड इन जापान हेयर ट्रिमर है। और इसकी खास बात मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इसमें एक ओल्ड वेरियंट आता था, मतलब ओल्ड मॉडल था इसका, उसकी नस्बत ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और आज की इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करूँगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, और इसके अलावा जो इसकी खास बात है वो बताऊँगा, इसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में, इसकी प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने पैनासोनिक हेयर ट्रिमर। और तो इसके बॉक्स की बात कर लें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैनासोनिक की ब्रांडिंग मिलती है, और इसके बाद यहाँ पे इसका मॉडल नंबर ER2051K, ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पर मशीन जो है वो हाथ में पकड़ी है, मतलब जो ट्रिमर है। तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ब्लैक कलर में है, और इसकी जो शेप वगैरह है वो किस तरह की होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC रिचार्जेबल और बियर्ड हेयर ट्रिमर, ठीक है। तो कॉर्डलेस वन और चार्ज, सिर्फ एक घंटे में ये फुली चार्ज हो जाती है मशीन, विद कॉम्ब अटैचमेंट, मतलब इसके साथ कॉम्ब के ऑप्शन भी अवेलेबल है। और यूनिवर्सल वोल्टेज, मतलब वोल्टेज भी अगर आई थिंक ऊपर नीचे हो तो ये कंट्रोल करेगी, कोई इस तरह का सीन होगा। पैनासोनिक कॉर्पोरेशन ओसाका जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान, ये ओरिजिनल जापानीज मशीन है। तो अगर इसके राइट साइड की एक साइड की बात कर लें तो पैनासोनिक मैंशन है इसका मॉडल नंबर, और वही चीज़ें कुछ मैंशन है यहाँ पर, इसकी कुछ बताई गई हैं डिटेल्स कि इसका जो ब्लेड है वो किस तरह से आपने चेंज करना है, तो ये बताया गया है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक डायलर है, मतलब डायल एडजस्टमेंट है। यहाँ से आप इसको 2 mm से 18 mm तक एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके बाद नीचे की बात कर लें, यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड है, इसका स्टेनलेस स्टील का ब्लेड है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, इन्होंने मैंशन भी किया, मतलब काफ़ी टाइम गुजारेगा। और ये इसकी मेन हाइलाइटिंग चीज़ है, वन आवर चार्ज 40 मिनट यूज़, मतलब एक घंटा चार्ज करने से 40 मिनट का आपको बैकअप प्रोवाइड करेगी ये। यूनिवर्सल वोल्टेज का मतलब ये है कि 100 वोल्ट से 240 वोल्ट, मतलब जिन कंट्रीज में 110 वोल्ट की सपोर्ट है वहाँ पे भी वर्क करेगी, और जैसा कि हमारे पाकिस्तान में 220 वोल्ट है वहाँ पर भी सपोर्ट करेगी। और ये है इसकी दूसरी साइड, और यहाँ पर भी वही चीज़ें मैंशन है, जस्ट थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है और वही कुछ है। यहाँ पर जो कम्प्लीट जो मशीन है वो दिखाई गई है, शेप आप उसकी देख सकते हैं। तो ये कुछ है, और दूसरी तरफ की अगर बात कर लें, जो यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिकेशन, मतलब इसका मॉडल नंबर वगैरह मेंशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी मतलब ऑप्शन अवेलेबल है, एज अ हेयर, मतलब बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सर के बालों के लिए भी, और बियर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर हेयर कटिंग एंड ट्रिमिंग आप देख सकते हैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्डलेस ऑपरेशन, कॉर्ड या फिर कॉर्डलेस ऑपरेशन, इट्स मीन के आप इसको इसकी बैटरी पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इसकी वायर लगा के। अच्छा, अब इसकी प्राइस के बारे में मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसकी जो प्राइस है ना, ये 10,900 रुपये है अलफतह पे, ठीक है। तो अलफतह पे अगर आपने परचेज़ करनी है तो 10,900 रुपये इसकी प्राइस है। इसके अलावा एक और है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये वाली है। अब आप कह रहे होंगे ये तो ऑलमोस्ट सेम है, बट इसके मॉडल में थोड़ा सा फ़र्क है, आप देख सकते हैं 2031K है और ये 2051K है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉर्ड एंड कॉर्डलेस ऑपरेशन हम देख सकते हैं, यहाँ पर जस्ट ये लिखा हुआ है, और यहाँ जो हाइलाइटेड चीज़ है ये है कॉर्डलेस ऑपरेशन वन आवर चार्ज। इसकी मेन चीज़ ये है कि ये एक घंटा चार्ज करने में 40 मिनट चल जाती है, और इसका अगर देखें तो 8 घंटे चार्ज में 40 मिनट चलती है, मतलब ये लिथियम टेक्नोलॉजी की बैटरी के साथ आती है,
जो कि आपको तकरीबन 1 घंटे के अंदर 40 मिनट का बैकअप प्रोवाइड करेगी, जबकि ये 8 घंटे के अंदर 40 मिनट का बैकअप प्रोवाइड करेगी। और अभी इसकी प्राइस में डिफरेंस बता दूँ, ये 9,500 रुपये 9,500 रुपीज़ की है, मतलब ये 9,500 की है, ये 10,900 की है, 1,400 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये वाली परचेज़ करें, 1,400 रुपीज़ ज़्यादा खर्च के आपको एक ऐसी मशीन मिल जाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, देन आपको 40 मिनट्स का बैकअप प्रोवाइड करेगी। ऊपर वाली तरफ भी मैं आपको दिखा दूं, ऊपर वाली तरफ भी वही चीज़ें मेंशन है, बिफोर ऑपरेटिंग दिस प्रोडक्ट प्लीज़ रीड द एनक्लोज ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस कम्प्लीटली, मतलब ये लाजमी चीज़ है, जब भी आप कोई न्यू चीज़ परचेस कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं जो आपने पहले यूज़ नहीं की, आप उसके जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वो लाजमी रीड कर लें। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका बॉक्स कॉन्टेंट जो है वो देखते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यू कैन सी इसको अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें इस तरह की जो प्लास्टिक की रैपिंग है वो मिलती है, और इसके अंदर ही इसका सभी कुछ है बीच में। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी मेन चीज़ जो कि है ये मशीन, और आप देख सकते हैं ये एक पैकिंग में है, ठीक है, रैपिंग में, प्लास्टिक रैपिंग में। इसको हम साइड पर रखते हैं, बाकी बॉक्स कॉन्टेंट देखते हैं। तो ये है इसका एक छोटा सा ब्रश, ये आप देख सकते हैं, ये है इसका ब्रश जो कि अच्छी क्वालिटी में है, और एक थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का इसका स्टाइल बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी क्लीनिंग के लिए इसको हम वापस रख देते हैं, जो जो कुछ हम देखते जाएंगे उसको वापस रखते जाएंगे। और इसके बाद ये है इसका बिल्ट इन ऑयल, इसके साथ थोड़ा सा दिया गया है, पैनासोनिक कॉर्पोरेशन ऑयल के ऊपर भी मैंशनड है, ठीक है, और यहाँ पर ऑयल, और ये आई थिंक जैपनीज़ में मैंशनड है। नीचे वाली तरफ भी इसके कुछ लिखा है, आई थिंक इसका मुझे वैसे पर्पज़ नहीं पता। तो ये है ऑयल, ठीक है, इसको भी वापस रखते हैं। अब हमारे पास आई थिंक लास्ट चीज़ यही है जो कि इसका अडैप्टर है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका अडैप्टर का वेट जो है ना, अच्छा खासा वेट है, लाइट वेट नहीं है ये वाला, ठीक है। तो ऊपर से प्लेन है, मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी वायर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और ये है इसकी जो पिन है जो मशीन में लगेगी, प्लस माइनस आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और ये डायरेक्टली भी हम लगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका कट बनाया गया है ताकि हमें इजीली पता चल सके कि मशीन के साथ कैसे इसने अटैच होना है। ये आप देख सकते हैं इस साइड से ये राउंड है, और इस साइड से मैं आपको ज़रा क्लियर करके दिखा देता हूँ, इस एक साइड से राउंड है और एक साइड से ये फ्लैट है बिल्कुल। तो ये चीज़ है, और उसके बाद आप देख सकते हैं अडैप्टर, इस साइड पर प्लेन है, जस्ट यहाँ पर हमें ग्रिप मिलती है लगाने के लिए, ठीक है, और ये फिक्स है, मुझे लगा शायद सेपरेट होगा। दूसरी साइड पे भी ये है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है इसकी, और बाकी काफ़ी अच्छा ये स्मार्ट सा अडैप्टर बनाया गया है। तो अब इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, पैनासोनिक मेंशन है यहाँ पे, और एसी अडैप्टर मॉडल नंबर इसका RE986, इनपुट 100 to 240 वोल्ट, और बाकी अब इसकी मजीद रेटिंग वगैरह आउटपुट वगैरह देख सकते हैं, पैनासोनिक कॉरपोरेशन मेड इन चाइना, वैसे ये जैपनीज़ है बट ये जो अडैप्टर है ये मेड इन चाइनीज़ है, ठीक है। तो इसको अब हम साइड पर रखते हैं, और अब हमारे पास इस वक्त नीचे कुछ हैं चीज़ें वो देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी बुकलेट, यूज़र मैनुअल, और ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे मेंशनड हैं, ठीक है, हाउस होल्ड यूज़ के लिए ये। तो यहाँ पे आपने इसकी सभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये लाजमी रीड आउट कर लेनी है, इंग्लिश में भी हैं और आई थिंक अरेबिक में है ये, ठीक है। तो ये इसकी वार्निंग है, ये आपने लाजमी रीड आउट करनी है। इसके अलावा एक काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी जो कि इसका पाउच दिया गया है, और इस पाउच के अंदर आप मशीन और इसका जो अडैप्टर है वो रख सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी इसकी एक्सेसरीज जो है इसमें रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं इसका जो फैब्रिक है, तो ऊपर से ये वाटरप्रूफ है, ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि वाटरप्रूफ ये, तो अंदर से ये फैब्रिक, ठीक है। तो अभी सभी कुछ हम साइड पर रखते हैं और हम आते हैं अपनी मशीन की तरफ। जी तो अब आ गई हमारी मशीन, और इसको अनरैप करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं मशीन, और काफ़ी खूबसूरत इसकी शेप है, और साइज़ भी इसका नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, इतना इसका साइज़ है, आपको आइडिया हो रहा होगा मेरे हाथ से। और इसके ऊपर इस वक्त आप देख सकते हैं कॉम्ब है, और इसको हम रिमूव करते हैं, सिंपली ऐसे रिमूव हो जाएगी। अब ये कॉम्ब है ये इसकी, ये वाली, और इसको हम साइड पर रखते हैं और ये देखते हैं। अब आई थिंक यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट होगी, या फिर इसकी जस्ट कॉम से एडजस्टमेंट होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जब इसकी कॉम इसके ऊपर लगी होगी ना, तब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वाइड हो जाती है, काफ़ी दूर चली जाती है, ये हेयर ट्रिमिंग के लिए भी, मतलब बालों के लिए भी,
कटिंग शेडिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। देन वी कैन सेट इट बैक अगेन, ठीक है। और ये इसकी मिनिमम कॉम है, और जब कॉम को हम रिमूव करेंगे तो तब ये बिल्कुल आप कह सकते हैं जो मिनिमम जो इसकी कटिंग है ना, मतलब मिनिमम जो साइज़ है वो आ जाएगा। और ब्लेड मेड इन जापान, जापनीज टेक्नोलॉजी का ब्लेड है, मतलब है जापान में, बना हुआ जापान में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बारीक लग रही है, आई थिंक ये आलमोस्ट आप इसको ज़ीरो ही कह सकते हैं, 0.12 mm तक होगी आलमोस्ट। तो यहाँ से आई थिंक इसका ब्लेड निकलेगा, ठीक है, बट अभी मैं इसको नहीं निकालूँगा। तो ये इसकी आप देख सकते हैं ऑन ऑफ वाला स्विच है। तो काफ़ी अच्छी है ये, मतलब काफ़ी स्मूथ इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, काफ़ी स्मूथली वर्क करती है। और इसका प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक की है ओवरऑल, और वेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसका। और जो इसकी वर्किंग है वो भी काफ़ी स्मूथ है, वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, साउंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो नीचे वाली तरफ आप देख सकते हैं ACRC1 और, ठीक है, और पैनासोनिक, और ये इसकी लाइट है। और आई थिंक ये जो लाइट है ये शायद चेंज भी हो जाए, ठीक है। और साइड पे आपको मैंने जैसे कि इसका डायल दिखाया था, पुश एंड टर्न, तो 1 2 3 4 5 6 पुश एंड टर्न, ठीक है, सॉरी मतलब इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना आपने, तो हमने पुश करके आराम से आपने इसको ऐसे करना, ठीक है। ये चीज़ दोबारा से दिखा देता हूँ, ये देखें, आपने इसको पुश करना है, देन इसको आराम से आपने कर लेना, ये चीज़ है। अब इसी दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पे हमें इसकी एक सील मिलती है जो कि नीचे वाली तरफ है, ये आप देख सकते हैं। ओनली अडाप्टर मस्ट बी यूज्ड फॉर, ये जो दो मॉडल्स मैंने आपको दिखाए थे, सिर्फ इन्हीं दो मॉडल्स के ही इसके साथ अडाप्टर लग सकते हैं। बैक साइड की बात करें, इसका मॉडल नंबर मैंशनड है, 1.2 वोल्ट चार्ज है, 1 और, पैनासोनिक कॉरपोरेशन मेड इन जापान, ये मैंशनड है। और यहाँ पर कुछ इसका एम्बोस्ड कुछ नंबर वगैरह मैंशनड है। यहाँ पर एक स्क्रू है, बस इसके अंदर नहीं है सक्रियो, और काफ़ी अच्छी मशीन है ये। तो यही कुछ है मशीन के अंदर जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और आई विल रिकमेंड कि अगर आपने परचेज़ करनी है तो आप यही वाली परचेज़ करें, लिथियम बैटरी वाली, क्योंकि ये जस्ट 1 आवर में 40 मिनट्स का बैकअप प्रोवाइड करती है। तो यही थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।